दतिया सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सदस्य और पूर्व विधायक पति संतराम सिरोनिया उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया द्वारा प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई है। वहीं दूसरी तरफ दलित श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे हर क्षेत्र में एक नई पहल की जा सके। वोकल फॉर लोकल एंड ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। बाइट सुरेंद्र बुधोलिया। पत्रकार वार्ता में नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता, सनत पुजारी, मीडिया प्रभारी परशुराम शर्मा, गीताराम पटसारिया, पूर्व विधायक संतराम सिरोनिया, रिशु दंगी, अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देने के लिए पहले प्रेस वार्ता की थी, जिसमें हमारा चाहे वो 3-3 सिलेंडर का विषय हो, चाहे हमारे जनधन योजना में 500-500 रुपये खाते की में राशि आई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो हमारे छात्रों की स्कूल ड्रेस बच्चों के लिए भी मिल रही हैं, ये बहुत सारी योजनाएं और इस योजना का लाभ हमारी दतिया को भी बहुत। प्रधानमंत्री जी की पूरी राशि वो तो पूरे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का है पैकेज, तो वह उस पैकेज के तहत दतिया में क्या क्या योजना है ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई और बहुत सारी योजना।